कल धन्नाहार पुलिस ने ये खुलासा कर दिया है कि आकांक्षा अभी जिंदा है और आकांक्षा यहाँ पर मौजूद है। हम धन्नाहार में खुद मौजूद हैं, थाने में है, आकांक्षा हमारे बगल में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वारदात हुई तीन के साथ और क्या मसला था। आकांक्षा, दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आकांक्षा जिंदा है, वो सही सलामत है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है और वो अनमैरिड है, स्कूल जाती है। ये उसके पापा हैं, उसके पापा इसलिए रो रहे हैं कि स्कूल से छुट्टी होने के बाद में वो घर नहीं लौटी, डर की वजह से कहीं चली गई थी और अब वो घर भी आ गई। वो कैमरे पे सब कुछ बोल रही है, आप लाइव सुन लो। शिवा कुमार, पिछले तीन चार दिनों से मैनपुरी की वायरल गर्ल आकांक्षा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि आकांक्षा की मौत हो चुकी है, आकांक्षा की शादी हुई और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे जान से मार दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रिपोर्ट हमने आपको पहले दिखाई थी और फिर एक रिपोर्ट दिखाई थी, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आकांक्षा की मौत नहीं हुई थी। कल धन्नाहार पुलिस ने ये खुलासा कर दिया है कि आकांक्षा अभी जिंदा है और आकांक्षा यहाँ पर मौजूद है। हम धन्नाहार में खुद मौजूद हैं, थाने में है, आकांक्षा हमारे बगल में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वारदात हुई तीन के साथ और क्या मसला था। आकांक्षा, आपका एक वीडियो वायरल हुआ था। यस सर। उसके बाद क्या हुआ, आप एकदम से घर से गायब हो गई अचानक से? सर मेरे घर वाले भी, मतलब मेरे घर वाले मेरे डांस को पसंद नहीं करते इस वजह से, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। लेकिन मेरे पड़ोस में और मतलब मेरे भागपुर, मेरे गांव से लगता हुआ है भागपुर, पापा ने मतलब उसे कहा होगा। मैंने पापा से कहा, मेरे पापा आप उनसे बात करके देख लो, मेरा चैनल बनवा दो। पापा ने एक बार कोशिश भी की, लेकिन वो बोल रहे भैया कि तुम सब ये झूठा क्यों वायरल कर रही हो, ये तुम्हारा डांस नहीं, मुझे उसकी उस बैकग्राउंड की फोटो चाहिए। अब बताओ, मतलब मेरे फ्रेंड के घर का था, वो बैकग्राउंड चेंज हो गया है। मैंने कहा मतलब वो सामान तो नहीं है, लेकिन वो बैकग्राउंड पीछे का है, वो तो हम दिखा सकते हैं ना। अच्छा, जिन्होंने आपकी मौत की सूचना सोशल मीडिया पर डाली, क्या लगता है वो कौन लोग हो सकते हैं? सर इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे मतलब मैंने बहुत कम। आपके पिताजी के मुताबिक कल 7 बजे आप स्कूल आई थी। यस सर। उसके बाद से आप गायब हो गई, क्यों? सर क्योंकि मेरे घर पे सर झगड़ा चल रहा है, इस वजह से सर मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मेरे वीडियो के बारे में सब मेरे उंगली उठा रहे हैं, बार बार यही कहते हैं कि पता नहीं क्या करेगी, नाचने वाली बनेगी, क्या करेगी, ऐसा बोल रहे हैं। कल परसों बुलंद शहर का एक लड़का है, हर्ष स्टूडियो करके उसका एक चैनल है, जितेंद्र नाम है, उस पे आपने बात की थी और वीडियो कॉल भी किया था, उसमें क्या सच्चाई है? उसमें सर वो पूरी सच्चाई, उसने मुझसे वीडियो कॉल की थी सर, मतलब पापा भी सामने थे, मम्मी भी सामने थी, मैंने सबके सामने वीडियो कॉल की थी और उन्होंने 2 गाने भी सेंड किए थे। बोल रही थी कि आकांक्षा आप इस पे डांस करके दिखाओ, तो मैं अगले गाने में तुम ही दूंगी। यस सर। अब क्या पति, अब आप घर जाना चाहती हैं, क्या चाहती क्या है आप? सर मैं घर जाना चाहती हूँ।